देख रहे हैं बीपीए न्यूज देश का सच दिखाती है। मैं ईशान अरवाल, आज खबर टोक राजस्थान से। बंद होगा टोक का दूरदर्शन रिले केंद्र, सांसद जौनपुरिया ने लिखा पत्र। एफएम रेडियो स्टेशन लगाने की मांग। यूं तो टोक में सुविधाओं और मनोरंजन के नाम पर कुछ नहीं है और जो है वो बंद पड़े हैं। कहा जाए तो टोक जिला है और टोक शहर मुख्यालय पर आमजन के लिए किसी भी प्रकार की मनोरंजन के साधन नहीं है। टोक जिला मुख्यालय पर यातायात के साधनों के नाम पर बस सेवा है। इसके अलावा टोक जिला मुख्यालय रेल सेवा से भी वंचित है। कई सामाजिक संगठनों ने कई बार टोक को रेल सेवा से जोड़ने के लिए आंदोलन भी किए जो आज तक भी जारी है। रेल के नाम पर मिल सिर्फ आश्वासन व सर्वे और कुछ नहीं। टोक आज भी रेल सेवा से वंचित है। इसी क्रम में अब नहीं सुनाई देगी दूरदर्शन की धुन। अदालत परिषद में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र, जिसके माध्यम से शहर में कई मनोरंजन के कार्यक्रम टीवी पर चलाया जाता है, जिसे देखना लोगों को पसंद है, लेकिन अब केंद्र सरकार के आदेशानुसार टोक दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने का निर्णय किया गया है, जिसे लेकर टोक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी 26 अगस्त को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर टोक में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र पर शहर में एक्सिटिंग सिस्टम के साथ 5 किलोवाट FM रेडियो स्टेशन को आसानी से चालू किया जा सकता है। सांसद जौनपुरिया ने लिखा है कि FM रेडियो को लोग सुनना पसंद करते हैं, जिस पर कई सूचनाएं व ज्ञानवर्धक जानकारी आती है, जो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जिसे एग्जिटिंग सिस्टम के साथ से आसानी से दूरदर्शन रिले केंद्र टोक से चालू किया जा सकता है। पत्र के माध्यम से सांसद जौनपुरिया ने FM रेडियो स्टेशन चालू करने का आग्रह किया गया है, जिससे शहर में आमजन का FM से शहर में मनोरंजन हो सके। संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, टोक राजस्थान।